देवघर में श्रावणी मेला होने के आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने कुछ एहतियात के तौर पर कुछ कदम भी उठाने की सोची है। मसलन कि जो मंदिर के आसपास के जो इलाके हैं, जैसे एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट को सील कर दिया जाएगा। मैं अभी देवघर के शिवगंगा पर मौजूद हूं और मेरे पीछे तस्वीर देख पा रहे हैं, जितनी सारी दुकानें हैं वो दुकानें ज़रूर खुली हैं, लेकिन कोविड-19 का पालन करते हुए दुकान में लोग मौजूद हैं और जो दुकानदार हैं साज सज्जा के सामान ज़रूर लगाए हैं, लेकिन ख़रीदार कोई है नहीं, क्योंकि कोविड-19 के चलते लोग आना कम पसंद कर रहे हैं। देखिए लोगों की तादाद है, और ये जो बांस रखा गया है शायद इसीलिए बैरिकेडिंग की जाएगी। लोग सड़कों पर बहुत कम दिख रहे हैं, लेकिन उतनी तादाद में नहीं दिख रहे हैं। यहाँ के पंडा समाज के पुरोहित हैं, उन्हीं से जानते हैं कि इस बार का मेला जो है नहीं ही होगा शायद, और कोविड-19 के चलते। तो सरकार और प्रशासन ने जो ये निर्णय लिया है, मंदिर के आसपास जितने एंट्री पॉइंट हैं उनको सील किया जाएगा। सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, ये जिला प्रशासन और अंतर्राज्य जैसे कि बिहार के कल मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष और यहाँ के जिला प्रशासन ने एक वार्ता की, जिसमें यह कहा गया कि इस बार श्रावणी मेला का आसार कम है, इसलिए इस बार हम देवघर जिला को चारों तरफ से पाबंदी के तौर पर बैरिकेटिंग करेंगे। शिवगंगा पर भी बैरिकेटिंग की व्यवस्था की जा रही है। राज्य सरकार की ओर से अब तक कोई घोषणा नहीं हुआ है। तो आप जिला प्रशासन को सहयोग इसमें करना चाहेंगे कि वो जो निर्णय ले रही है प्रशासन की बैरिकेटिंग की जाएगी, पूरी तरह से सील किया जाएगा, आप लोग इससे सहमत हैं? देखिए, इस बात से तो हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि श्रावणी मेला हम लोग का सबसे बड़ा मेला है। यहाँ साल भर में जितनी कमाई होती है सावन में, यहाँ के स्थानीय तीर्थ पुरोहित के साथ यहाँ के गुमास्ता माली जितने भी हैं मंदिर के इर्द गिर्द व्यवसाय के भी और जितने भी हैं, सबों को इस श्रावणी मेला से आय का स्रोत होता है। कोविड का जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन के तहत यात्रियों को जिले में प्रवेश कराएं, जिस तरह हवाई मार्ग में जांच किया जाता है, स्टेशन पर जांच किया जाता है, यात्रियों को आवागमन के लिए जो जो भी सारी जांच होती है वो जांच यहाँ भी किया जाए। और ठीक है, कांवर यात्रा अगर रोक लगाना चाहते हैं कांवर यात्रा पर रोक लगाएं, परंतु श्रावणी मेला जो है, जिस बार पिछले बार जो अगस्त में 200 आदमी का टारगेट दिया था वो 5000 का टारगेट दे और श्रद्धापूर्वक सुगमतापूर्वक श्रावणी मेला को लगाएं। यानी कि कोविड-19 का पालन करते हुए लोगों को, श्रद्धालुओं का आना चाहिए, ऐसा मानते हैं? हम ऐसा मानते हैं, सरकार है और जिला प्रशासन आपस में तालमेल बैठाएं। देखिए, जो और भी यहाँ के हैं स्थानीय हैं, आप किस तरह से देखते हैं कि पूरे मंदिर के आसपास के इलाकों को सील करने की जिला प्रशासन ने सोचा? जिला प्रशासन तो कोशिश कर रही है, लेकिन कोई काम का ये कोशिश नहीं है। इसलिए नहीं है कि बीते 4 दिन पहले भी हमने देखा कि पूरे रास्ते में ऐसा जाम लगा, कल भी पेपर में देखा जाम लगा, मंदिर के चारों तरफ आप जाइए इर्द गिर्द रोज के रोज भीड़ लगी हुई है। क्या इसमें कोरोना नहीं होगा? अगर कोरोना है तो फिर भी अभी भी उतने ही तादाद में आ रहे हैं श्रद्धालु? क्या लोग यहाँ पे, ये बाबा मंदिर ऐसा आस्था जुड़ा हुआ है, लोग यहाँ पे हरदम आते ही रहेंगे। अब कहीं भी रोको, किसी तरह से रोको, लोगों का आना जाना यहाँ नहीं रुकना है। आप अपनी व्यवस्था में जो कमजोरियाँ हैं उसको आप मजबूत करो, उसमें आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप पब्लिक को परेशान कर रहे हो। जैसे कहाँ कमजोरी है? हर जगह पे कमजोरी है। अभी चलिए पूरे मोहल्ले में दिखाता हूँ मैं, कैसे गंदगियाँ फैली हुई है। क्या वो साफ कराना किसकी जिम्मेवारी है? गंदगी तो दूसरी बात होगी, मैं कह रहा था कि जो सील करने की एक व्यवस्था, जैसे अभी बॉर्डर पे मैंने देखा, बॉर्डर पे से जहाँ मेन बॉर्डर है उसके अगल बगल से गाड़ियाँ घुस रही है। ऐसा नहीं है कि गाड़ी पूरी तरह सील हो गई, और गाड़ी आप एक रूट बंद कर रहे हो, चारों तरफ का रूट बंद करो ना। तो जितने भी एग्जिट एंट्री पॉइंट है सभी को बंद करने की बात की जा रही है? एंट्री पॉइंट आप बंद कर रहे हो, एंट्री पॉइंट के बगल से कहीं से चोर का रास्ता है जो कि वहाँ से ढूक के लोग आ रहे हैं अंदर। अंदर तो रोज लोग आ रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि इनको बंद किया जाए? बंद करे तो पूरी तरह से बंद करे, और सब जगह बंद करे। ऐसा नहीं कि एक मंदिर को छोड़ के और सब जगह हम खोल दिए तो केवल मंदिर में ही कोरोना होगा। नाम क्या आपका? अभिषेक पराशर। अभिषेक पराशर, ये थे, कहना है कि जिला प्रशासन ने जो निर्णय लिया है, कुछ कुछ जो मेन पॉइंट है एंट्री पॉइंट को सील करने की, लेकिन उसके अलावे भी जो हैं
जो रास्ते हैं घुसपैठ उसे कर कर यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। तो इनका कहना है कि उन रास्तों को भी बंद किया जाए ताकि श्रद्धालु यहाँ पर नहीं पहुँच सके। देवघर से लगातार .in के लिए मैं जीतन कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।